लेकिन सवाल उठता है, एक प्रधानमंत्री की पोस्ट का बहुत जिम्मेदार पोस्ट है, क्या प्रधानमंत्री को उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए जिससे राज्य नहीं संभला और मोदी से देश नहीं संभला, तो राष्ट्रपति जी को मोदी का इस्तीफा लेना चाहिए, मोदी को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इसके शासन काल में हमारे देश में तनाव का माहौल है, एक राज्य गांव गांव में विभाजन हो गया है, गांव गांव में विभाजन हो गया है, दो दो पार्ट में बट गए हैं, तो इससे ज़्यादा सर्वनाश और भारत का क्या होगा, इससे ज़्यादा कलंक की बात क्या होगी। दूसरी बात, बिहार में मैंने मधुबनी जिले का जिक्र किया, मैं 1990 से राजनीति में हूँ और तब से मैं देखता हूँ कि जब जब चुनाव आता है तो मैं देखता हूँ कि बैंक डकैतियाँ बढ़ जाती है, लूटपाट की घटना बढ़ जाती है, कौन कराता है? जाहिर सी बात है, जिसकी सत्ता नहीं है वो कराएगा, सत्ता को बदनाम करने के लिए कराएगा, क्योंकि सत्ता जब बदनाम होगी तो ही तो परिवर्तन होगा, उनकी सत्ता आएगी, समझने की जरूरत है। मैं तो बार बार ही कहता हूं कि हिंदू मुसलमान करके फायदा किसको होता है, भाजपा को होता है, तो इसी तरह से किसी सरकार को बदनाम करना है तो डकैतियां डलवाओ, कत्लेआम कराओ, लूटपाट कराओ, एक्सीडेंट करवाओ, सरकार बदनाम होगी तभी तो जंगल राज का हल्ला किया जाएगा। लेकिन महाजंगल राज मणिपुर में है, इसके ऊपर कौन टिप्पणी करेगा? चलो मान लिया कि अभी बिहार में जंगल राज जैसा माहौल बन रहा है, मणिपुर में क्या बन रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या बन रहा है, क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में क्या बन रहा है, इस पे भी तो बोलना चाहिए ना। नहीं बोलेंगे क्योंकि उस पे वो चुटकियों में चिपकाए फेविकोल का जोड़ जो है चुटकियों में मुंह सिल देता है, मोदी का भी और उस सारे भाजपाइयों का भी। चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, कि बिहार में क्राइम का एक मुख्य कारण है दारूबंदी, क्योंकि बिहार में पहले ही बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और वैसे में दारूबंदी जिनकी रोजियां रोटी चल रही थी आपने बंद करने का काम किया, और दारूबंदी के बाद एक अच्छा व्यापार कहें, अच्छा बेरोजगारी दूर हुआ है लोगों का, एक गांव में चार चार पांच पांच आदमी दारू बेचते हैं, पुलिस वाले भी पैसा खाते हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है, पुलिस वाले अपराधी को पकड़ने के बजाय सिर्फ दारू वाले अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं, क्योंकि दारू में दोनों तरफ से आमदनी है, एक तो अगर गाड़ी जब्त हो गया या कोई नशे में मिल गया तो 10-20 हजार रुपये का कमाई हो जाता है, लेकिन अगर डकैत को पकड़ने जाओगे तो गोली सूट होने का थोड़ा सा डर रहता है, तो सोचता चलो यार दारू वाले को बेहतर है कि इसको पकड़े, सरकार के नजर में भी हम हीरो बनेंगे, डेली पेपर में भी हमारा छपेगा। उसी में स्थिति ये हो गई है मधुबनी जिले के अंदर कि दारू वाले अब सिक्सर रखने लगे हैं और फायरिंग करते हैं, ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिली है, देखने को मिली है। तो अपराधियों के हाथ में हथियार देने का काम यदि किसी को गया है तो मैं समझता हूं बिहार सरकार, इसकी जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार का जी का जिद, और नीतीश कुमार जी इस जिद को छोड़िए और दारूबंदी समाप्त करिए बिहार के अंदर, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ नौजवान बच्चे को आप क्रिमिनल बनना ले जाए। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी दारूबंदी कब समाप्त करते हैं, क्योंकि दारूबंदी से एक बात तो तय है कि जो भाजपा को बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। अगर नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन से कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में दारूबंदी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप समाप्त करें और 40 के 40 बिहार में आपको जनता जिताएगी, क्योंकि सबसे पहले तो वो जो गलत दारू, दो नंबर की दारू बिक रही है, जहरीली दारू बिक रही है, उस पे से कम लोगों का
जान माल की सुरक्षा होगी। दूसरी बात, बिहार सरकार के खजाने में एक नंबर पैसा जाएगा और एक नंबर की दारू लोगों को मिलेगी, कम दाम में मिलेगी। जो नाजायज पैसे में ब्लैक से दारू लोग खरीद रहे हैं, 500 रुपए की बोतल, 400 रुपए की बोतल 1200 1500 में खरीद रहे हैं, पीने वाले पीते ही हैं, उसको कौन रोक सकता है? क्या गुजरात में दारू बंदी के बाद क्या दारू नहीं मिलता है? खुलेआम मिलता है वहां भी। बिहार में पहले से ज्यादा दारू बिकता है। तो जो चीज सरकार विफल हो जाए, उस चीज को, सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। बिहार सरकार दारूबंदी पे पूरी तरह 100% विफल है और उसका उल्टा रिजल्ट हो रहा है कि बच्चे चरसी बन रहे हैं गांव में, चरस गांजा। 8 साल 10 साल 15 साल का बच्चा जो चरस और गांजे की लत लग रही है, क्या हाल होने वाला है आने वाले टाइम में बिहार का, ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ तक बिहार में इस मैके तक बिकना चालू हो गया है। तो सरकार इन सब चीजों पे ध्यान दे। सरकार चुनने का मतलब ये नहीं है कि पोस्टरबाजी करने में टाइम वेस्ट किया, इसने उसका पोस्टर चिपकाया, उसने उसका पोस्टर चिपकाया, इससे जनता को क्या लेना देना जी।